ये देखना भाई कहाँ कहाँ से जा रहा हूँ मैं। मेरे को तो लग रहा है मैं अलग ही यात्रा कर रहा हूँ। मैं कल तो ये भी नहीं लिया था मैंने जो आज लेके बैठ गया हूँ मैं। भाई मौसम देखो एक बार यार, सारे बादल नीचे आ गए यार। अंकल जी के साथ साथ ही चला था अंकल, पूरे रास्ते जो भी आ रहे हैं सबको जोश देते जा रहे हैं, मतलब हिम्मत भर रहे हैं और शॉर्टकट मारते हुए जा रहे हैं पूरा अंकल जी। वन वन थ्री थ्री फाइव फाइव। कह रहे इनकी भी पूरी मेहनत लगती है, दिन में कितना चक्कर काट लेते भाई? चक्कर नहीं होता यार, एक ही चक्कर हो पाता है, यहाँ आना ही है। और एक चीज फायदा मिल जाएगा रात को ना आपको, ट्रैक पूरा खाली मिलेगा, खच्चर वगैरह नहीं मिलेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे आप सब? सबसे सारे बढ़िया होंगे और बढ़िया रहना। तो यार मैंने लास्ट वीडियो में आपको दर्शन करवा दिए थे मंदिर के, एंड अब हम लोग जा रहे हैं नीचे वापसी सोनप्रयाग और उसके बाद अपनी बाइक्स तक। और वापसी का पूरा आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे कुछ रहना होगा, क्योंकि रात के वाले रास्ते में पूरा रात होगी हमें, तो कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा नहीं पाया था, तो अब ये वाला कवर कर दूंगा। और वापसी जाने के लिए काफ़ी घोड़े वाले और काफ़ी कुछ है, मतलब रात में कुछ भी नहीं दिखा पाया था मैं। ये देखो यहाँ पे मंदिर से थोड़ी सी पहले इतनी दुकानें, बहुत दुकानें हैं भाई। ये सारे कैंप्स लगे हुए हैं, इनका प्राइस जो है वो 200 से 400 भी रहता है। आगे भी मिल जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा, वहाँ पे थोड़ा महंगा मिलेगा मंदिर के पास, लेकिन हमें सही मिल जाएगा 350 का। और वीडियो पर आ गए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट कर देना, और प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना। और मैं आपको घोड़े का भी रेट बता दूंगा अगर नीचे जाना हो तो, कितने होते हैं, कितने लेते हो भाई घोड़े के? 1500-2500 रुपए। कहाँ तक के? गौरीकुंड तक के। शहर मैंने आपको प्राइस बता दिया कि क्या रहने वाला है, हम तो पैदल ही जाएंगे, अगर आप लोगों को करना हो तो मैं प्राइस बता देता हूँ। और इनसे भी पूछ देता हूँ कांडी वाला से, भैया जी कितने लेते हो नीचे तक के, कितने लेते हो, अपना रेट बताओ। वजन के हिसाब से फिर भी एक जरा सा बता दो अंदाज़ा लोगों के लिए, सारे देख रहे हैं। 7000-8000। तो यार बेसिकली वेट के ऊपर डिपेंड होता है, तो भाई से आप बात कर लेना अगर कोई भी होता है। 7000-8000 वैसे मिनिमम बोल रहे हैं। 65 किलो से ज़्यादा होता है। अच्छा, 65 किलो से ऊपर के 8000-9000 लेते हैं, और उससे नीचे का 7000-6000 में मान जाएंगे। बाकी यार इनकी भी बच्चे लोग बताए उनका 2500-3000। अच्छा, तो बाकी यार इनकी भी पूरी मेहनत लगती है, दिन में कितना चक्कर काट लेते हो भाई? चक्कर नहीं होता यार, एक ही चक्कर हो पाता है, यहाँ नहीं जाने का और नीचे से ऊपर आने का एक ही हो जाता है, मेहनत तो पूरी लगती होगी। कहाँ से हो आप लोग? नेपाल से। नेपाल से आते हो स्पेशल यहाँ पे? नेपाल से। अच्छा चलो बढ़िया भाई जी, ओके जी। ये देखो यार कितना, ये घोड़ा स्टैंड है सारा का सारा, यहीं तक घोड़े आते हैं, उसके आगे आपको जाना होता है। और भाई बहुत भीड़ है यार घोड़े वालों की, सबसे ज़्यादा है भाई, सबसे ज़्यादा। इधर घोड़ों से ना आपको खुद बच के जाना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं देखते किसी को, वो किसी को नहीं देखेंगे, वो अपना चलाएंगे, चाहे बंदे को लग रही है चाहे कुछ हो रहा है, कुछ नहीं देखेंगे उनको, बस अपने चलाने से मतलब है। बाकी मौसम देखो फिर ख़राब हो रहा है, बादल लग चुके हैं पूरे बढ़िया से, ऊपर भी और इधर भी। ये देख लो यार, कल रात को रात के टाइम बारिश में मैं ये सारे शॉर्टकट लेके आया हूँ, देख रहे हो कितना डिफ़िकल्ट है। मैं तो कहूँगा आप लोग वही रास्ता लेना, लेकिन शॉर्टकट मत लेना, आप लोग ले सकते हो तो ही लेना, नहीं तो नहीं। ये देख लो भाई, उतरना भी भाई मुश्किल है शॉर्टकट से, क्योंकि पैर एकदम से स्लिप हो रहा है। मैं ये बार वीडियो बंद करके यार पहले ना नीचे उतर जाता हूँ, उसके बाद आपको मिलता हूँ दोबारा। भाई ये वाला शॉर्टकट तो मैंने कल भी नहीं लिया था, जो आज ले रहा हूँ भाई। और रोड बहुत जा रही है, मैं तो यहाँ से निकल जा रहा हूँ, रास्ता आप देख रहे हो कितना ज़्यादा खतरनाक है भाई। और बारिश और स्टार्ट हो गई है, रिस्क बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मिट्टी ये दूसरी होती है। और ये देखो यार कैसा कैसा रास्ता है, बिल्कुल नीचे जाता जा रहा है, बारिश स्टार्ट हो गई है ना, सबने रेनकोट भी डाल दिया। ये देखो कल तो ये भी नहीं लिया था मैंने जो आज लेके बैठ गया हूँ मैं, और वो मेरे दोस्त सारे उधर से ही जा रहे होंगे पक्की बात है। यार मैं खुद नहीं समझ पा रहा ये मैंने शॉर्टकट लेके गलती करी है या क्या किया, क्योंकि मिट्टी देखो थोड़ी गीली हो चुकी है, और ये सारा रास्ता जा रहा है और मेरे को वहाँ तक जाना है अभी। वो देखो जय
ये अंकल जा रहे हैं ना, हर किसी का जोश बढ़ाते हुए जा रहे हैं। अंकल जी बढ़िया, सबका जोश बढ़ा रहे हो आप तो, जोश बढ़ा रहे हो आप तो सबका। जय अलक निरंजन, हर हर महादेव, सबका दुख कर दो भंजन। अंकल जी मैं अंकल जी के साथ साथ ही चला था अंकल, पूरे रास्ते जो भी आ रहे सबको जोश देते जा रहे हैं, जयकारे लगाते जा रहे हैं, मतलब हिम्मत भर रहे हैं और शॉर्टकट मारते हुए जा रहे हैं पूरा अंकल जी। धन्यवाद। चलो अंकल जी चले साथ साथ ही चले, बोले खच्चर है ना। हाँ दो दो तीन चने कोई लगा देगा। हाँ ये घटना हो गई है, घोड़े में पड़ा, घोड़े तोड़ कटा। सही बात है, चलो चलते हैं, धीरे धीरे चलेंगे कल। और क्या, आप कहाँ से हैं? रोहतक हरियाणा। अरे जय बोले, जय बोले। मेन रास्ता मिलने का नाम ही नहीं ले रहा, पता नहीं कौन सा शॉर्टकट ले लिया मैंने, एंड बस ऐसा ही आया जा रहा है पूरा का पूरा नीचे नीचे, और कच्चे पत्थर, पता नहीं कौन सा ट्रैक ले लिया मैंने, और मेरे दोस्त कहाँ है मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये देखना भाई कहाँ कहाँ से जा रहा हूँ मैं, मेरे को तो लग रहा है मैं अलग ही यात्रा कर रहा हूँ, मैं केदारनाथ यात्रा से दूर हो गया हूँ कहीं। देखो तो भाई कितना रिस्की हो रखा है। ये देखो यार मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो सामने रास्ता है ना, ये पहले केदारनाथ का दूसरा रास्ता हुआ करता था, तो देखो थोड़ा बहुत रह गया, बाकी सारा टूट गया, तो उसको बंद ही कर दिया गया। और अभी मैं यार अपने रास्ते पे फोकस कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ से निकल रहा हूँ, ये गलती कर दी है या क्या है, क्योंकि काफ़ी लोग जा रहे थे, बट जो ये बारिश आ चुकी है ना और उसके बाद जो मिट्टी सारी स्लिपरी हो रही है, बहुत दिक्कत दे रही है, समझ नहीं आ रहा ना मेरे पास पानी है, पानी की प्यास बहुत लग रही है। अलग ही रिस्क ले लिया मैंने यार, अब ये तो बाद में पता चलेगा कि ये रिस्क कितना सही था मेरा। बाकी यार प्लीज़ आप लोग मत लेना यार, गलती मैंने कर दी, आप लोग मत करना। फाइनली यार बड़ी देर बाद मेन ट्रैक पे निकला हूँ, हालत टाइट हो गई थी भाई, एक बार तो डर सा लग गया था, अकेले चल रहा ना कोई नेटवर्क आ रहा था उस रास्ते पे, अब वापस आ गया हूँ और पूरा रास्ता गीला हो रखा है यार, स्किट मार रहे हैं शूज़, अच्छे शूज़ लाना यार, मेरे सही नहीं निकले, मैंने ऑनलाइन नए ही ऑर्डर करे थे राइट अप के, मेरे को लगा नीचे से सोल अच्छी होगी, बट यार स्किट कर दिया ये भी। अब सोच रहा हूँ कोई शॉर्टकट नहीं लूँगा, बाकी देखता हूँ, ले भी लिया तो कुछ कह नहीं सकता। ये देखो यार छोटा सा बेटा अपने पापा के साथ काउंटिंग करते करते, मतलब वो उसका मन भी बहला रहे हैं, है ना। कहाँ से आए हो? अच्छा अच्छा, इसने खुद चढ़ी है सारी, हिम्मत है भाई छोटे की। चलो एक बार फिर करो, क्या कर रहे थे करो, वन वन क्या कर रहे थे, वन वन यार मौसम एक बार फिर से खराब हो गया, एंड मैं किसी शॉप के नीचे खड़ा हूँ, और जो मेरे दोस्त है वो मेरे से नीचे जा चुके हैं, बोला आराम से आते नीचे मिलेंगे तेरे को, थोड़ा यार वो जो शॉर्टकट ले लिया था ना मैंने, वो सबसे गलत किया मैंने लेके। एंड यार रास्ता देखो यार, बारिश आ गया तो और ज़्यादा रिस्की हो जा रहा, स्लिप कर रहे हैं जूते वगैरह। यार मैं यहाँ पे बैठा हुआ था ना तो भाई मिले हैं, और भाई बता रहे हैं कि साइकिल से आए हैं वो। कहाँ से आए हो भाई? मैं यूपी आगरा से आया हूँ। अच्छा यूपी से, मतलब साइकिल से, और भाई का अभी पेपर आ रहा है 26 को, तो पेपर देने जाएंगे, फिर उसके बाद लद्दाख पे चले जाएंगे साइकिल पे। मतलब हिम्मत है यार जो बंदे साइकिल पे करते हैं, हमें यार बाइक पे भी इतना वो हो जाता है, अभी इतना कुछ ज़्यादा मैंने भी नहीं किया, मेरी दूसरी साइड है ये वाली, पिछली बार मैं हेमकुंड गया था और इस बार यहाँ पे मैंने भी लद्दाख कर लिया, कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश सब साइकिल पे, चार ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर लिया है। अच्छा चार ज्योतिर्लिंग है यार, एक उज्जैन महाकालेश्वर ओमकालेश्वर और एक केदारनाथ और बनारस। बढ़िया है यार, ऐसे ही रास्ते में ना मिलते रहते हैं यार, अपना बात करते हो जाओ, कोई पता ही नहीं चलेगा रास्ते का, है ना भाई? हाँ भैया। और क्या, बाकी भाई का भी है इंस्टाग्राम पे, और भाई बाद में मेरा भी डाल देंगे अपना। ओके भाई, भाई को प्लीज करना यार, और मेरे को भी थोड़ा सपोर्ट वगैरह कर देना, बाकी तो ऐसे भाई से बात कर रहा था, अच्छा लगा भाई मिलके। और साइकिल पे यार एक तो हिम्मत, खुद भी हिम्मत आती है भाई, ये कर सकते हैं तो हम भी करेंगे ना आगे भाई, हम आप लोगों से मोटिवेट होते हैं। और बारिश तो भाई बहुत तेज हो गई है यार, काम खराब हो गया, बारिश तेज हो गई, अब और ज़्यादा पैर स्लिप होएगा नीचे जाते हुए। तो यार बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी उस टाइम पे, अब थोड़ी धीरे हो गई है, और मैं और भाई साथ ही निकल गए थे, क्योंकि यार इन्होंने भी आगे निकलना है और साइकिल भी ठीक करवानी है इन्होंने, तो बस साथ निकल गए। बरसात बंद होने का नाम नाम ही नहीं ले रही थी भाई,
अब जाके रुकिए, मतलब यहाँ पे हो रही है, बीच बीच में आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, यही चलता जा रहा है बार बार। यार दोस्त लोग भी मेरे को मिल चुके हैं काफी नीचे आके, एंड अब यार नीचे भीमबली आने वाला है, वहीं पे जाके अपना बढ़िया से मैगी वैगी खाएंगे, भूख भी लग रही है। और भाई रास्ता बहुत डिफिकल्ट हो गया बारिश की वजह से यार। ये देखो यार किसी देवता की डोली जा रही है, जैसे यहाँ पे पहाड़ों पे देवता ही होते हैं ना, तो उनकी डोली लेके जा रहे हैं ऊपर केदारनाथ दर्शन कर लो आप लोग भी। यहाँ पे सडन दिखी तो मैंने दिखा दी। तो यार भीमबली अराउंड पहुँच चुके हैं और फिर से अंदर जा रहे हैं, वहीं पे बैठ के थोड़ी देर खाना वाना बनाएंगे बढ़िया से। भाई शेंकी भाई ने बना दी मैगी आज, मैंने भी, इसने काली वीडियो बनाई है और मेरी तबीयत भाई मसाला मैंने डाला, पानी मैंने डाला, हेलो मैगी मसाला मैंने, पानी मैंने हिलाई। चलो ठीक है भाई, इसको बोलना तो ये ऐसी फटाफट, बारिश भी तेज होगी और मेरे को ठंड भी लग रही थी, मैंने कपड़े भी डाल लिए और फटाफट खा के चलेंगे भाई। भाई मौसम बहुत खराब हो रहा है और हालत भी खराब हो रही है और सारे जादू बन रहे हैं, उधर देखो भाई जादू बन रहे हैं। भाई देखो यार पूरा सामान कैरी करके चल रहे हैं, कैंप वैम्प सब। मौसम तो भाई बहुत खराब हो गया, बहुत खराब हो गया भाई। और भाई टाइम 5 बज चुके हैं और अभी यहाँ से 5 किलोमीटर हो रहा है हमारी यात्रा, तो देखते हैं भाई मौसम को। देखो ऊपर यार सारे जादू बन के घूम रहे हैं धूप की तलाश में, लेकिन धूप की कोई जादू, धूप चाहिए धूप धूप। देखते हैं अभी नीचे जाके, अभी हमने गौरीकुंड से, गौरीकुंड नहीं सोन प्रयाग से बाइक उठानी है भाई, गौरीकुंड से बोलना है। हाँ 50-50 वाली क्रूज भाई, फटाफट चल रहे हैं, मैं ज़्यादा शूट नहीं कर रहा और क्योंकि ना स्लिपरी हो रहा था बहुत ज़्यादा। सो यार मैंने यार मेरा जो जुगाड़ वाली थैली पहन रखी थी ना, अब मैंने ये वाली पहन ली है, ये फिर भी ठीक है, 150 रुपये का पड़ा ये वाला रेनकोट, इसमें मेरा बैग भी रख गया और गीला तो ऑलरेडी हो चुका मेरा बैग, बट स्टिल यार ये सही है, ये चीज़ सही लगी है इस बार मेरे को। भाई मौसम देखो एक बार यार, सारे बादल नीचे आ गए यार, आवाज सुनो भाई और हवा देखो क्या चलने लगी है भाई, मौसम खराब हो चुका है एकदम बिल्कुल। क्या फटेगा ये देखो भाई नीचे, वो भाई जहाँ पे नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ खाई है और धुंध तो इतनी ज्यादा हो गई है, सारे बादल नीचे आ गए, ऊपर काफी तेज बारिश हो रही है शायद। तो यार अभी बारिश भी हो रही है और रास्ते में भुट्टे वाले भैया दिखे, 50 रुपये का भुट्टा दे रहे हैं और सही एंजॉय करते हुए जाएंगे भुट्टे को ऐसे ही। देखो गाइस दोनों हाथ भरे हैं ना, लेकिन ऐसे हम भी खा लेंगे। ठंडे नहीं, ठंडे ठंडे मौसम है ना मजा आता है, ये खाने को मिल जाए तो मजा आ जाता है। वो पागल है भाई, उसको वो ना बहुत ज्यादा हाई फाई बंदा है, वो ये चीजें नहीं खाता, वो खाएगा शैंकी भाई खाएंगे बर्गर पिज्जा मोमोज हाका नूडल, हाका नूडल्स मैगी यिप्पी। चलो भाई हम भी ये एंजॉय करते हैं साथ साथ और अपना चल रहे हैं मस्त बारिश के मजे लेके, बस गीले हो चुके हैं और कुछ नहीं है, बस गीले ज्यादा हो गए, बैग भी गीला हो गया मेरा तो, जाने में दिक्कत। यहाँ से गौरीकुंड रह गया 3 किलोमीटर, अराउंड 1 घंटा और लगेगा और 6 बज चुके हैं, 6 बजने वाले हैं, बज चुके हैं पता नहीं यार, टाइम देखना पड़ेगा। 7 बजे तक नीचे उतर जाएंगे यार, बस थोड़ा सा और रह गया और मैं जाते जाते एक नज़र पड़ी यार, ये देखो देखना भाई इतना कूड़ा भाई, और सारे ऊपर शॉप्स हैं ये वाली फ्रूट्स की, इसके जो डोने वगैरह ना ये भाई देखो सारे, ये देखो भाई कितना यार ऐसे। यार देखो आप लोगों का ट्राई गया यार, आप लोग नई यात्रा करोगे तो थोड़ा सा साफ सफाई रखोगे तभी तो ये चीज़ें रहेंगी ना, गई उसके लिए इतना ज़्यादा गंदगी मचाओगे तो क्या फ़ायदा, अपने साथ कैरी कर लो। मैंने खुद साइड पर फेंके हैं उठा के, 10 मिनट को देखा था मैंने वहीं पर फेंक दिया था, जो हमने मैगी वैगी रूम में बनाई थी और कैंप में भी, और इवन जो मैंने कटिंग भी कर दी वेजिटेबल की वो भी मैंने उसमें ही फेंका डस्टबिन में। बट यार ये तो यार गलत है यार, देखो हर जगह बॉटल्स वगैरह सब फेंक रहा था। फाइनली नीचे पहुँच गया और अपना ये यहाँ तक घोड़े आते हैं, मैं आप लोगों को बता दूँ जो घोड़े होते हैं वो यहीं तक आते हैं लास्ट, और यहाँ से भाई आगे जाएंगे टैक्सी वगैरह लेंगे और उसके बाद फिर से ट्रैक करना है भाई, ये वापस जा रहा ट्रैक 50,000 रुपये में डील हुई है उससे भाई, ये कह रहे हैं 30,000 रुपये देंगे वापस चलेगा, 50 दे दिए, इनको पता है मैं अब दोबारा जाने नहीं वाला, अब बस हो गया बहुत है, एक बार ही बहुत है यार। फाइनली यार गौरीकुंड पहुंच गए थे एंड यहाँ से यात्रा खत्म ही हो गई है और मोमोज दिख गए तो मोमोज वगैरह खाएंगे। ये भाई है ना ये
इस भैया जी को मोमोज खाने थे, इन्होंने बिना पूछे कर दिया कि भाई खाएंगे, इसे पता है ना सारे खा लेंगे शौक से, है ना भाई है। और हो गई यात्रा पूरी, अभी हुई नहीं, अभी और चलना है, एक किलोमीटर और चलना है, नहीं 5 किलोमीटर टैक्सी को कौन गिने का, 5 किलोमीटर का है, 4 किलोमीटर का है टैक्सी, हाँ तो पैदल जाए चले। देख लो भाई मोमोज आ गए, और ये जस्सा बताएगा पहाड़ों वाले मोमोज कैसे हैं, बस एक कमी है जस्से, मेयोनीज नहीं मिली उसके बिना, पूरी कमी है वो। सो यार फाइनली गौरीकुंड से तो टैक्सी मिलती है 4 किलोमीटर की, वो हमने ले लिया एंड 50-50 ईच मिलती है, ये नीचे से भी ऊपर लेंगी और ऊपर से भी नीचे छोड़ देंगी, तो इसी में बैठ के आराम से जा रहे हैं भाई, पूरी फुल कर दी है इसने, पूरी फुल टैक्सी बस वह आके जा रहे हैं। आप देख लो काफ़ी लोग पैदल भी निकल जाते हैं जिनको होता है कि भाई पैदल जाना है, बाकी यात्रा पूरी होगी और टाइम बताऊँ तो 7:30 हो गए, बाकी एक बार नीचे जाके बताता हूँ आपको। ओ तीन लोग हैं, तीन तीन चार, हाँ भाई तीन लोग आ जाओ, चार तीन। देखो अभी भी जाने वाले यात्री बहुत हैं और ये जो यात्रा है ना केदारनाथ की, ये 24 घंटे खुली रहेगी और कभी भी आओ, सिर्फ मॉनसून के सीजन में नहीं जाने देंगे, रात में दिन मॉनसून में नहीं जाने देते ना, बारिश के टाइम में नहीं जाने देंगे आप लोगों को, बाकी वैसे आप जा सकते हो। देखो काफ़ी लोग जा रहे हैं अभी तो सही है ना, मतलब इस टाइम निकल जाएंगे, बट थोड़ा सा रिस्की है, चलना है वो कह रहा हम तुम चलते हैं चलना दोबारा शन के पैसे दे रहा हूँ लाख लाख करके, तो बाकी यार आप लोग भी आ सकते हो, रात को भी स्टार्ट करो तो सुबह सुबह दर्शन भी हो जाएंगे आपके जी, और खच्चर वगैरह भी, खच्चर वगैरह तो चलते हैं रात में नीचे 4 किलोमीटर, और एक चीज़ फ़ायदा मिल जाएगा रात को ना आपको, ट्रैक पूरा खाली मिलेगा, खच्चर वगैरह नहीं मिलेंगे, तो एक चीज़ उसकी फ़ायदा है, ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा, देख लेना आपको जैसे करना हो, मैंने आपको बता दिया। फाइनली यार सोनप्रयाग पहुँच गए और अपना क्लॉक रूम से हेलमेट ले लेते हैं, भाई एक बार तो भूल गया था हेलमेट भी है, लेकिन एकदम से क्लॉक रूम देखा ना तो याद आ गया, हेलमेट अपना यहीं पर करवा दिया सबमिट, संचित के नाम से होगा भाई, दियो वो कोने में पड़ा। सो यार हेलमेट ले लिया मैंने एंड अब पार्किंग की तरफ जा रहे हैं, बाइक की भी हालत देखते हैं भाई क्या पड़ी है, 2 दिन हो गए मतलब 1.5 दिन हो गया, और बाइक वगैरह भी उठाएंगे उसके बाद वहीं पे ही जा रहे हैं जहाँ पे रुके हुए थे नारायण कोटी, अपना वहीं पे स्टे करेंगे आज, और कल न्यू डे होगा उसमें आपको बताएंगे, अभी पहले बाइक्स के पास जा रहा हूँ। यार बाइक्स देख लो भाई, पार्किंग में लगा के गए थे और बिल्कुल सेफली पड़ी है, बारिश वगैरह आ रही है बस थोड़ी, और दूसरी बाइक अपनी वो खड़ी, अभी आ रहे हैं पीछे से, इन दोनों को लेकर चलते हैं भाई नारायण कोटी, अब शायद देखता हूँ और गोप्रो से शूट करूँगा या नहीं करूँगा, एक बार देख लेता हूँ क्योंकि वही रास्ता है और रात का टाइम है, तो एक बार देखते हैं और यहाँ से चलते हैं पहले। तो यार 2 दिन बाद अब बाइक को रही है तो कोल्ड स्टार्ट पे लगा दिया, क्योंकि यार एकदम से निकालने में नहीं होती, थोड़ी देर अपना ये चालू रहेगी और कोल्ड स्टार्ट हो जाती है ना इससे। तो यार अभी जा रहे हैं वापस नारायण कोटी जहाँ पर रुके हुए थे, और नाइट की मेरी फर्स्ट राइड होने वाली है ये, अभी तक हम लोग चले हैं तो नाइट में हमने नहीं चलाई बाइक, तो और थोड़ा रास्ता भी अराउंड 20 किलोमीटर है, थोड़ा सा पैच भी थोड़ा गंदा सा आएगा इसके बीच में, तो देखते हैं भैया आराम आराम से चलाएंगे, और रोड थोड़ी गीली भी है बारिश होगी, बाकी थोड़ा सा 2 दिन का गैप हो गया बाइक चलाए हुए, बाइक को भी रेस्ट मिल गया आराम से और दोबारा से बाइक पर आ गया, अब कल फिर आपको बाइक पर ही दिखेंगे, अभी आराम आराम से ही चलाएंगे भाई, और GoPro की मेरे को क्वालिटी भी देखनी थी नाइट में कैसा परफॉर्म करता है ये। तो यार बारिश आ गई है एंड GoPro मैंने उतार दिया, रेंट करके डाल दिया, मैं सीधा वहीं पर जाके मिलूँगा भाई। यार अपने साथ तो भाई बहुत गंदा हो चुका है, आधे रास्ते तक पहुँच चुके हैं और बारिश बहुत तेज़ हो गई है, बाकी रेनकोट तो डाल लिए बट स्टिल बारिश बहुत तेज़ है, और आगे एरिया थोड़ा सा मुश्किल वाला, तो आराम से ही जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है हमें, जल्दी नहीं पहुंचना हमें, है ना भाई, जल्दी नहीं पहुंचना, आराम से जा रहे हैं भाई, क्योंकि इनकी बाइक की लाइट कम है और मैं लीड कर रहा हूं, तो आराम आराम से लेके जाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बारिश देखो भाई बहुत तेज़ है। सो यार बारिश तो भाई देख लो यार, पहुँच गए अपने होटल में, वैसे साथ वाला था बिल्कुल, और बारिश बहुत हो गई थी भाई, सीन हो गया आज खतरनाक, और पहला एक्सपीरियंस था हमारा कि मतलब माउंटेंस पे बारिश के अंदर चलाने का, पूरे गीले हो गए भाई, बस ये है ऊपर की स्वेट बच गई, और नीचे पजामा वगैरह दिखाऊं, ये देख लो भाई हालत, और शूज़ वूज़ की भी हालत देख लो भाई, मतलब
एक बार थोड़ा सा नॉर्मल होते हैं उसके बाद वीडियो के अंदर जाके बात करता हूँ और एंड भी करता हूँ यार। सो फाइनली यार रूम में सेटल डाउन हो गए और भाई बहुत खतरनाक सीन हो गया था, मैंने बताया ना बारिश वगैरह से। बाकी कपड़े वगैरह तो भाई गीले हो चुके हैं अपने, ये देख लो। तो भाई और मेरे दर्शन भाई, फर्स्ट टाइम मैंने केदारनाथ जी के दर्शन करे हैं, बहुत अच्छे गए। मैंने सब आपको अच्छे से बता दिया इससे पहले वाली वीडियो में, और क्या क्या हमारे को डिफ़िकल्टीज आई यात्रा से उतरने में वो सब भी मैंने इसमें दिखा दी, और मौसम तो बहुत ख़राब हो गया था। बाकी वीडियो में बस इतना ही है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। मिलते हैं अब एक और नई सीरीज, एक और नई यात्रा के साथ नेक्स्ट वीडियो से। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय 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 बाय।